युवा मुस्लिम संगठन ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। धमधा ओवरब्रिज पर हुई दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग। युवा मुस्लिम संगठन ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और 5 मार्च को धमधा ओवर ब्रिज में हुए सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत पर उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की। गौरतलब है कि धमधा ओवर ब्रिज पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बीते दिनों बाइक सवार तौसीफ खान, मोहम्मद अमन व शेख सहीर को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। परिजनों को मुआवजा राशि दिए जाने की मांग को लेकर युवा मुस्लिम संगठन ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर युवा मुस्लिम संगठन के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल रहे। शामिल लोगों ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। हुई है जो 3 मासूम बच्चे वार्ड नंबर 8 तकिया पारा के, जो जिनका निधन हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, ये सारी गलतियां अंडरब्रिज के कारण है और लेट लतीफी के कारण है उसके, और जो ओवरब्रिज जो जर्जर हो चुका है उसका संधारण नहीं हो रहा है, इस वजह ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए मासूम बच्चों को अपनी जान गंवाना पड़ा। इसमें शासन प्रशासन ध्यान दे और राजनेता भी ध्यान दे। हमने अभी कलेक्टर महोदय से यही बात की है, उन्होंने तुरंत तत्काल फोन लगा के जो अंडरब्रिज का काम कार्य देख रहा है उसको आदेश किया है कि इसमें आप तुरंत से तुरंत जल्दबाजी जल्द करके जल्दी से जल्द काम को अंजाम दिए। विगत 5/3/2022 को धमधा नाका ओवर ब्रिज में 3 मासूम बच्चों की ट्रक चालक की लापरवाही से दुर्घटना एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के पश्चात अभी तक जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थायी प्रशासन और किसी भी राजनेताओं द्वारा मृतक परिवार के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं की गई, न ही किसी प्रकार की कोई मुआवजे की रकम की बात की गई। तो आज युवा मुस्लिम संगठन की तरफ से एक बैनर तले हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि मुख्यमंत्री प्रति परिवार को कम से कम 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि घोषित करें और साथ ही लापरवाह अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें। धमधा नाका अंडरब्रिज का जो कार्य धीरे धीरे चल रहा है उस कार्य को जल्द पूर्ण करें ताकि भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटनाएं हो उससे बचा जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।